आय निर्मला सीतारामन। मैं अन्नपूर्णा देवी। मैं अनुप्रिया पटेल। मैं शोभा करंदलाजे। मैं रक्षा निखिल खड़से। मैं सावित्री ठाकुर। 9 जून का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने तीसरी मर्तबा पीएम पद की शपथ ली। उनके साथ 71 मंत्री भी उनकी कैबिनेट में शामिल हुए। मोदी के कैबिनेट में 71 में से 7 महिला मंत्रियों को भी जगह मिली है। पीएम मोदी की 71 मंत्रियों की सेना में ये 7 वीरांगनाएं देश को एक नए मुकाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगी। 7 महिलाओं में से 5 को राज्य मंत्री बनाया गया है। इनमें सबसे अनुभवी मंत्री निर्मला सीतारमणम है, जो इससे पहले वित्त मंत्रालय संभाल चुकी हैं। इसके अलावा अन्नपूर्णा देवी, अनुप्रिया पटेल, शोभा करमदलाजे, रक्षा खड़से, सावित्री ठाकुर और नीमूबेन भामणिया मोदी की कैबिनेट में पुरुष मंत्रियों से कंधा मिलाकर कार्य करेंगी। 64 साल की निर्मला सीतारमण मोदी कैबिनेट के सबसे अनुभवी और वरिष्ठ मंत्रियों में से राज्यसभा में सांसद हैं। निर्मला सीतारमण वित्त व रक्षा जैसे अहम मंत्रालय संभाल चुकी हैं। 2014 में सीतारमण ने नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में आंध्र प्रदेश से एक जूनियर मंत्री के रूप में शामिल हुई थी। 31 मई 2019 को कॉर्पोरेटर मामलों के मंत्री और भारत के 28वें वित्त मंत्री के रूप में शपथ ली थी। वह भारत की दूसरी महिला रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं। 26 साल की उम्र में ही सांसद बनने वाली रक्षा खड़से को भी मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया है। उन्हें पहली मर्तबा कैबिनेट मंत्री बनने का मौका मिला है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से BSc तक की पढ़ाई की है। 37 साल की रक्षा खड़से महाराष्ट्र BJP के नेता एकनाथ खड़से की बहू हैं। शोभा करमदलाजे तीसरी बार लोकसभा सांसद बनी हैं। वह एक बार फिर मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुई हैं। मोदी सरकार 2.0 में शोभा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री थी। शोभा करमदलाजे को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदुरप्पा के करीबी लोगों में से गिना जाता है। उत्तर प्रदेश की एक युवा महिला नेता अनुप्रिया पटेल ने भी कैबिनेट में अपनी जगह बनाई है। वह अपने पिता सोनीलाल की पार्टी अपना दल का प्रतिनिधित्व करती हैं। अनुप्रिया पटेल का जन्म 29 अप्रैल 1981 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। झारखंड से जीतकर अन्नपूर्णा देवी को दूसरी बार मंत्री बनने का मौका मिला है। इससे पहले वह शिक्षा राज्य मंत्री के रूप में काम कर चुकी हैं। इससे पहले वह 2019 में कोडरमा से BJP प्रत्याशी के रूप में जीती थी। वह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्षों में से एक है। बता दें कि BJP में आने से पहले अन्नपूर्णा देवी RJD की नेता थी। नीमूबेन भामणिया गुजरात के भावनगर से सांसद हैं। वह लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले मेयर थी। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 4.5 लाख वोटों से हराया। उन्होंने विज्ञान विषय में स्नातक किया है। 46 साल की सावित्री ठाकुर मध्य प्रदेश में BJP का आदिवासी चेहरा हैं। वह धार लोकसभा सीट से जीत हासिल कर मोदी कैबिनेट में शामिल हुई हैं। वह सांसद और केंद्रीय मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगी हैं। वह 2014 में पहली मर्तबा सांसद बनी।